अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यह एक विंडो एसी है 100 वाटन का और इसका लीक जो है बहुत बारीक है, मतलब वैसे मालूम नहीं हो रहा। इस पर हमने कोशिश की 2 दिन के बाद भी इसका प्रेशर कम हो रहा है, हर तरफ से लीक चेक किए लेकिन इसका लीक जो है वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा। तो इसका आज लीक निकाल के आपको दिखाएंगे कि इसका आसान हल है क्या है और किस तरीके से आप इसका लीक निकाल सकते हैं। तो ये एक बड़े टब में हमने पानी लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इस ऑपरेटर को हम प्रेशर देंगे और स्टॉप के अंदर डुबो देंगे तो इससे इजीली पता चल जाएगा कि इसके लीक जो है कहाँ से निकल सकता है। ये हमने कंप्रेसर स्टार्ट किया है और इसमें प्रेशर जा रहा है, ये इसके अंदर हमने रख दिया है, ये पता चलेगा कि इसका लीक किस जगह से निकल रहा है। अब ये आप देख सकते हैं, ये प्रेशर देख सकते हैं तकरीबन 150 पे अभी प्रेशर पहुंचा है और अभी चेक करते हैं कि इसका लीक कहाँ से निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका लीक है, पहले हमने इसको 500 प्रेशर दिया था फिर, लेकिन फिर भी इसकी लीक को पता नहीं चला। और अभी तकरीबन हमारे पास 250 और 280 प्रेशर है लेकिन फिर भी इजी हमें पता चल गया कि इसका लीक यहाँ से है। तो ये एक इजी तरीका है विंडो एसी की लीक का या किसी भी स्प्लिट एसी की लीक को चेक करने का। ये टब में डाल के अगर इसके बीच में भी कहीं से लीक होता तो भी आपको पता चल जाता कि इसमें लीक कहाँ से है। तो यहाँ पे लीक चेक करने के बंद करने के बाद हम दोबारा इसको प्रेशर देंगे और चेक करेंगे कि इसका प्रेशर कम होता है या नहीं। वहाँ पे हमने टांका लगा दिया इसके 4 नंबर बैंड पे और अभी हमने दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट किया, अभी प्रेशर देखते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो कैसे लीक बता रहा है। यानी हमारे पास तकरीबन 130-140 तक प्रेशर, ये 150 प्रेशर पे पहुंच गया और अभी तक तो इसमें कहीं लीक नहीं बता रहा। ये 4 नंबर जो बैंड है ये पानी के अंदर आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर के बैंड पे हमने टांका लगा दिया, यहाँ से ही लीक था। तो अभी चेक करते थोड़ी देर में इसको 400-500-400 प्रेशर तक का चेक करते, 400 प्रेशर डाल के फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें कहीं से लीक बता रहा है या नहीं बता रहा। अभी हमारे पास तकरीबन 350 प्रेशर पूरा होने वाला है, ये तकरीबन 350 का प्रेशर हुआ, इसको हम तकरीबन मज़ीद 50 प्रेशर और देंगे। अब चेक करेंगे कि मज़ीद कहीं और से लीक है या नहीं। अब इसको चेक करते हैं दोबारा से, वहाँ पे कोई लीक नहीं है और एक और जगह लीक है, मामूली बारीक लीक, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
इस जगह पे एक टांका लगा हुआ है और इस टांके के पास भी मामूली सा लीक है। आप देख सकते हैं ये बुलबुले निकल रहे जगह से। अब इस लीक को भी बंद करके दोबारा चेक करके आपको दिखा दें। ये दोबारा हमने इस पर टांका लगा दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई लीक नहीं बता रहा किसी जगह से। और यहाँ पे प्रेशर देखिए, तकरीबन हमारे पास प्रेशर हो चुका है 250। अब मजीद उसको तकरीबन 150 प्रेशर हम देंगे 400 तक के, और फिर लीक चेक करके आपको दिखाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास प्रेशर हुआ तकरीबन 400। प्रेशर भी हमारे पास बिल्कुल होल्ड है और यहाँ से कोई लीक भी नहीं बता रहा। तो ये एक इजी मेथड है जो हमने आपके साथ शेयर किया, बजाय लीक साबुन से जाग से चेक करने के। बाद वक्त माइनर लीक होता है जो इस तरीके से हम चेक कर रहे थे और हमें तकरीबन एक दिन से नहीं मिल रहा था। तो इस पे हमने सोचा कि ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि इमरजेंसी में अगर किसी को कस्टमर को चीज़ देनी हो और आसानी से पता चल जाए कि इसके माइनर से मालिक लीक किस जगह है। तो उसके लिए आप ऐसा कोई टब ले लें या कोई चीज़ बना दे ऐसी बड़ी, या कोई खड्डा वड्डा कोई चीज़ बना दे उसमें पानी स्टोर करे, और पूरा ऑपरेटर या कंडेंसर कोई भी चीज़ हो वो उसमें प्रेशर दे के आप चेक कर सकते हैं। आसानी आपको पता चल जाएगा कि इसमें लीकेज कहाँ से है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।